स्मृति हटाओ, अमेठी बचाओ। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं, अमेठी एसडीएम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारी हटाओ, स्मृति ईरानी हटाओ, अमेठी बचाओ। आपने तो स्मृति के लिए प्रचार किया था, ये कह रहे मैं प्रचार किया था, इसलिए प्रचार किया था कि ये पहल चुनाव लड़ी, उसके बाद में यहाँ आई, यहाँ पर मंच लगा, लोग इकट्ठा हुए, ये लोगों को ये बता दी कि हम इस आपकी जो है 13 रुपए किलो हम चीनी देंगे आप लोगों को, आप लोग और दीजिए। जनता दिमाग में रख लिया, चलिए ठीक है, जहाँ 30 रुपए 32 रुपए में है हम 13 रुपए में देंगे, अच्छा, तो बड़ा अच्छा काम बन गया। इसी तरह तो बच्चों इस समय मतदाताओं को लुभाने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए यही सब लोग करके चले गए। आज तक बताइए कि सांसद जी कहाँ हैं हमारे बीजेपी वाले। हाँ, अच्छा, बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं यहाँ? कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में कितने? हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए, ये सब कांग्रेस के पक्ष में हैं। हाँ, कांग्रेस, कांग्रेस का। अब बीजेपी, राहुल गांधी ने मेरी ग्राम पंचायत भादर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत टीकर माफी में IIIT लाए थे, कौन लाएगा भैया, आप बताइए। और हमारे गांव कम से कम 5,000 लोग नौकरी, मान लिया नौकरी छोड़िए, वो सब्जी बेच रहे थे, राशन बेच रहे थे, बच्चे खा रहे थे। तो रोजगार कई प्रकार के होते हैं, कोई जरूर नहीं समोसा बेच के ही रोजगार हो जाए। तो क्या लग रहा है यहाँ राहुल या स्मृति, अंतिम बार एक बार बताइए। यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार भी चुनाव नहीं जीती थी, अब की बार का आप छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, आप ही बताइए, आप यहाँ किसी से सांसद हैं? यहाँ की वो कहाँ की सांसद हैं? अमेठी की, अमेठी की इतनी जनता है, पूछ लीजिए, कभी 4 साल में स्मृति ईरानी जी कोई देखा है? एक बार पूछ लेते हैं भाई साहब, आपने देखा स्मृति? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपने देखा स्मृति को? नहीं। दादा, स्मृति दिखी सांसद जी अभी? भाई यहाँ नहीं दिखाई, नहीं दिखी। आपने देखा भाई साहब? नहीं भाई, नहीं, कोई नहीं देखा अपनी सांसद? नहीं, हमने उनको कभी नहीं देखा। तो ये अमेठी की जनता ये की, ये भी बड़ी बात है, तो इस वजह से मानते हैं कि वो नहीं है। अमेठी गांधी परिवार की थी और आज भी है। स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी में, अमेठी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत टीकर माफी में खड़े हैं। टीकर माफी में क्या लग रहा है इस बार जो है वो 2024 चुनाव की तैयारियां जो है इस बार जोर शोर पकड़ ली है। लगातार विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए मोदी सरकार ने सदस्यता भी उनकी रद्द करा दी है, क्या कमजोर होंगे? अमेठी जो है उनका संसदीय क्षेत्र है, सबसे हॉट सीट हम कह सकते हैं देश भर में, ये इसकी चर्चा जो है पूरे देश में रहती है। लेकिन अमेठी की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में जो है वो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई अमेठी की जनता मानती है, या फिर जो है वो स्मृति ईरानी को वो मानते हैं कि सांसद हैं, इस बार फिर से उनको लाएंगे? क्या स्मृति ईरानी रिपीट होंगी? 2019 में स्मृति ईरानी से यहाँ से सांसद बनी थी, राहुल गांधी वायनाड केरला चले गए थे। अब अमेठी की जनता क्या सोचती है? 4.5 साल हो चुके हैं, स्मृति के कामकाज से कितना खुश हैं? इस बार राहुल या अमेठी, अमेठी राहुल या स्मृति, अमेठी की जनता क्या सोचती है, इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है वो लगभग आप देख सकते हैं ये खचाखच भीड़ है, इनके बीच क्या सर्वे निकलते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल भैया, क्या लग रहा है कि 4.5 साल आपने स्मृति को देखा, इससे पहले राहुल गांधी को देखा, सबसे बढ़िया कौन, राहुल या स्मृति? राहुल। क्यों? दरअसल ऐसा है, जो हम लोग जब से जान रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, जो भी विकास यहाँ हुआ है कांग्रेस ने किया, जब से हम राजनीति करने लगे, राजनीति की समझ रख रहे हैं, यही देख रहे हैं, जब से यूपीए गवर्नमेंट थी, जो इस यूपीए गवर्नमेंट ने जो स्कीम योजना लाई थी जो है, ठीक है, चाहे वो मनरेगा हो, ठीक, मनरेगा पे ही चल रहे हैं मोदी जी जो है, ठीक है, चाहे उसके बाद आधार कार्ड हो, आधार कार्ड का जो है उन्होंने विरोध किया था भाजपा ने जो है, ठीक है, सारा काम उसी आधार आज जो है भ्रष्टाचार को मिटा रहा है, ठीक है, वो किसकी देन थी? मनमोहन सिंह सरकार की थी, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 किसने लाया जो है? संप्रगत सरकार ने जो है। आज सबको राशन मिल रहा है, किसने दे रहा है? संप्रगत सरकार दे रहा, ना पहले की काम काज में होता, क्या चूक रह गई थी जो राहुल 2019 में आप लोगों ने रिपीट नहीं किया और अब करेंगे, क्या लगा? ठीक है, जो है कोई जो है किसी के बहकावे में जो है आ जाता है, हो सकता है लालच प्रलोभन में आके जो है, या उससे जो है अपना लोग बहक गए हों, लेकिन यह है कि जो इन्होंने इनका कार्यकाल उनका कार्यकाल जब तुलना किया जा रहा है, तो इससे बेहतर यही हो रहा है कि हमारा गांधी परिवार ही जो है सबसे बेहतर था जो है। तो फिर से उनको लेकर आएंगे? बिल्कुल लाएंगे जो है। लेकिन अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है, उनपे जो है 2 साल की सजा हो गई है, कह रहे 8 साल वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या होगा? स्मृति ईरानी को तो नहीं लाएंगे, उसके बाद जो है जो ऑप्शन होगा, जो बेहतर होगा हम लोगों के लिए जो है, उसका हम लोग। स्मृति क्यों नहीं? क्योंकि जो है ये पहली बात तो जो है ये चाटकारों से घिर गई हैं, ठीक है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके समय में, इनके पीरियड में, इनके कहने में जो अधिकारी चल रहे हैं, एक तो हमारे जिले का कलेक्टर मान के चलिए जो है, ठीक, हम छत्री हैं जो है, वो जात विशेष को क्यों जिला बदर कर रहा है? आप उठा के जो है रिकॉर्ड देखिए जो है, सबसे अधिक जो है जिला बदर
कर रहा है सिर्फ जो है छत्रियों का जो है। आज हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ भी छत्री हैं। मैं उनको भी अपने आपके चैनल के माध्यम से जो है संदेश जानना चाहता हूँ, इसकी जानकारी वो लें जो है, क्यों सिर्फ एक जात विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इसलिए जो है किसी के कहने पर जो है किसी के उसके उसमें जो है DM जिलाधिकारी जब तक यहाँ रहेगा, जब तक यहाँ का जो उप जिलाधिकारी रहेंगी जो है। जिलाधिकारी किनके कहने पर काम कर रहे हैं, स्मृति ईरानी? बिल्कुल जी, सांसद वही है जो है, सिर्फ उन्हीं का यहाँ सिक्का चल रहा है। यहाँ बाकी किसी जो है जो निचले स्तर के जो स्थानीय स्तर हावी अफसर हसाबी हावी है जो है, जो निचले स्तर के जो है नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनकी तक की नहीं सुनी जा रही। बताइए सब पब्लिक की समस्या क्या है, वो अधिकारियों के पास जाता, जब अधिकारियों के पास जाएगा उसकी समस्या सुनी नहीं जाएगी, उसका समाधान नहीं होगा, उसका निस्तारण नहीं होगा, तो कैसे जो है लोग उसको लाइक करेंगे जो है। भैया समाधान नहीं हो रहा है तो बदलाव होगा या फिर से राहुल? देखिए स्मृति ईरानी जी हैं कौन आप बताइए, आप यहाँ किसी सांसद हैं? यहाँ की कहाँ की सांसद हैं? अमेठी की। अमेठी की इतनी जनता है पूछ लीजिए, कभी चार साल में स्मृति ईरानी जी कोई देखा है? एक बार पूछ लेते हैं भाई साहब, आपने देखा स्मृति? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आपने देखा स्मृति को? नहीं। दादा स्मृति दिखी सांसद जी अभी? भाई यहाँ तो नहीं दिखाई। नहीं दिखी आपने? देखा भाई साहब? नहीं भाई नहीं। कोई नहीं देखा अपनी सांसद? नहीं हमने उनको कभी नहीं देखा। तो ये अमेठी की जनता ही एक ही, ये भी बड़ी बात है, तो इस वजह से मानते हैं कि वो नहीं है। अमेठी गांधी परिवार की थी और आज भी है और रहेगी, और वो रहेगी। गांधी परिवार ही अमेठी को जो अमेठी की दिशा बना दिए उसको कोई बना नहीं पाया, ये लोग आए बल्कि यहाँ पर जो विकास था उसको भी उठा ले गए। माफी में त्रिपल IT खुली थी, आज चार साल बीत गया दिन, आज यहाँ चारों तरफ दो चार गांव में विकास होता और यहाँ पर लोग बेरोजगारी से रोजगार में जुड़ जाते, कोई व्यापार करता वो भी रोजगार में जुड़ जाता, क्या यही कारण है? कितना पैसा जनता का लगा है इसमें, अभी आज भी बिल्डिंगें सब ऐसे पड़ी हैं। भाई साहब ने कहा आपने तो स्मृति के लिए प्रचार किया था, ये कह रहे हैं। मैं प्रचार किया था, इसलिए प्रचार किया था कि ये पहल चुनाव लड़ी, उसके बाद में यहाँ आई, यहाँ पर मंच लगा, लोग इकट्ठा हुए, ये लोगों को ये बता दी कि हम इस आपकी जो है 13 रुपए किलो हम चीनी देंगे आप लोगों को, आप लोग और दीजिए। जनता दिमाग में रख लिया चलिए ठीक है, जहाँ 30 रुपए 32 रुपए में है हम 13 रुपए में देंगे, अच्छा तो बड़ा अच्छा काम बन गया। इसी तरह तो बच्चों इस समय मतदाताओं को लुभाने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए यही सब लोग करके चले गए। आज तक बताइए कि सांसद जी कहाँ हैं हमारे? 13 चीनी के चक्कर में आप भी फंस गए? चक्कर के चक्कर इसलिए सब फंस गए 13 रुपए के कि उनको, वो तो बातें छोड़िए, वहाँ पर जो कार्यकर्ता उनके थे गए थे 10 लोगों को बुला के 100 लोगों को लाए थे, वो किसके पास जाएं और भी दिला दिए। यहाँ तो नहीं, वहाँ यहाँ नहीं आती हूँ, यहाँ कभी बताई तो आपसे अमेठी लोकसभा में हमारे वो पंचायत भवन है वो देखिए, गौशाला वो देखिए, गौशाला की जो है बता रहे हैं गौशाला वो देखिए, आप उसका रिकॉर्ड करिए, आप वो देखिए पंचायत भवन और गौशाला दिखा दीजिए। ऐसे जो है हमारे यहाँ गाँव में जो है, आइए तो ये देखिए गौशाला जो है, ये अमेठी का हाल है और गौशाला हम आपको दिखाते हैं, इसको कैमरे में हम आपको कैद करते हैं। ये देखिए अमेठी की जनता ये है, यहाँ देखिए हमारे, देखिए ये स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, स्मृति ईरानी का क्षेत्र है ये, आइए आइए दिखाते हैं, ये गौशाला है, जगह है जो है हमारे क्षेत्र में, ऐसे कई जगह है जो गौशाला है, इसी तरह जो है पशुए जो है गौ माताएं हमारी जो है ऐसे भटक रही टर रहे बिना चारा और पानी के जो है, हमारे टीकर माफी में भी गौशाला है जो है लेकिन उनको चारा नहीं मिलता, 200 गाय है लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, ना चारा दिया जाता है ना भूसा दिया जाता है, जाके हम किसानों की जो है फसलें चरती हैं जो है, बताइए क्या यही समस्या है? बिल्कुल समस्या है जो है, 2019 के बाद आई क्या समस्या? बिल्कुल उसके बाद ही आई है हमारे, 2019 के बाद ये सारी समस्या है भाई, 2019 के बाद ही बिल्कुल। स्मृति ईरानी आप सुनिए, गौशाला के नाम पर 3 लाख भूसा हजम हुआ है, उसका काल वो देखूंगा मैं आपको लिस्ट, JP सिंह डॉक्टर CMO जो मेडिकल अफसर सबसे जिले के बड़े अफसर हैं, 3 लाख का भूसा यहाँ खाया गया, और BJP तो कह रही है हम न खाएंगे न खाने देंगे भ्रष्टाचार नहीं। अरे BJP कह रहे भैया तो खाए हैं तो चिट्ठी क्यों दे रहे हैं जिलाधिकारी वगैरह अगला चिट्ठी दिए हैं भैया 3 लाख के भूसा की, तो क्या लग रहा है राहुल के शासन में यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता था? नहीं राहुल के राज्य में कभी कोई लोकल नाली पंडोह के चक्कर में राहुल जी नहीं थे, राहुल जी फैक्ट्री लगाने के, राहुल जी विकास का। राहुल ने कितनी फैक्ट्री लाई जो स्मृति ने नहीं लाई? राहुल गांधी ने मेरी ग्राम पंचायत भादर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत टीकर माफी में IIIT लाए थे, कौन लाएगा भैया आप बताइए, और हमारे गाँव में कम से कम 5,000 लोग नौकरी मान लिया, नौकरी छोड़िए वो सब्जी बेच रहे थे, राशन बेच रहे थे, बच्चे खा रहे थे, तो रोजगार कई प्रकार के होते हैं, कोई जरूर नहीं समोसा बेच के ही रोजगार हो जाए।
क्या लग रहा है यहाँ राहुल या स्मृति, अंतिम बार एक बात बताइए। यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार भी चुनाव नहीं जीती थी, अब की बार का आप छोड़ दी। चलिए आप क्या लग रहा है भैया, राहुल या स्मृति अमेठी से क्या लग रहा है? क्या है आप बताइए भाई, राहुल या स्मृति? राहुल या स्मृति भाई? नहीं भाई, हमारे अमेठी में आज जो भी प्रशासन व्यवस्था, व्यापारियों की व्यवस्था चाहिए, व्यापारियों को सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए जो योगी सरकार ने दी है। किसी भी प्रकार के लूट डकैती चोरी नहीं होती। योगी जी से खुश हैं? हम योगी जी से खुश हैं, भाजपा से खुश हैं, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। अंतिम बार मैं कह रहा हूँ बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जी, चलिए बीजेपी के लोग भी, आप बताइए बीजेपी या राहुल या बीजेपी? बीजेपी। आप बताइए राहुल या स्मृति? राहुल गांधी यहां से चुनाव जीतेंगे और बहुत बहुमत से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल राहुल गांधी जी। सुनिए आप, सबसे बड़ा हेलो टीकर माफी में आप ग्राम पंचायत में जो गौशाला बना है, एक बात बता दीजिए, राहुल या स्मृति? नहीं राहुल। आप टीकर माफी आश्रम पे जाइए, गौशाला की स्थिति देखिए, मौके पर पहुंच करके इतनी बड़ी ग्राम सभा में, आप इतनी बड़ी जनता में क्या स्थिति है वहाँ, क्या है बता दीजिए, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस गाय को देखिए किस बता रहे हैं सारा, नहीं पढ़ नहीं बदतमीजी नहीं, बता दीजिए ठीक, वहाँ की सारी स्थिति देखिए, क्या यही स्थिति है गौशाला की, हर जगह की पानी भरा है, गाय कहाँ बैठ रही है। 2019 के पहले नहीं था ये, नहीं। सब सही था, जब से गौशाला बना है तब से मैं स्थिति बता रहा हूँ, उसके पहले से हमसे नहीं मतलब, ठीक गौशाला टीकर माफी की बात कर रहा हूँ। हम लोग गरीब आदमी 50 बीघे का मर्दा, तो योगी जी की समस्या है ना? नहीं नहीं ना ना ना, क्यों वो बीजेपी में नहीं है? नहीं सांसद है वो, तो सांसद है तो अमेठी की है, वो तो फैक्ट्रियां करेंगे, हम लाएंगे चीनी कम करेंगे, ये सब वो वाला चीज है। हम लोग किसान किससे परेशान है? हम लोग किसान किससे परेशान है? हाथ उठा ले, हार गए हैं बीजेपी वाले। अच्छा बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं यहाँ? कांग्रेस के पक्ष में कितने? हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए, ये सब कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ कांग्रेस, कांग्रेस के। अब बीजेपी के पक्ष में, रुक जाइए, बीजेपी के पक्ष में कितने हैं? बीजेपी पक्ष में कोई नहीं। तो ये अमेठी है, अमेठी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ पे टीकर माफी है। टीकर माफी की जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की, उनका कहना है कि गायों की समस्या है अमेठी में। इस बार यहाँ पर लगभग स्मृति ईरानी का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। फिलहाल आप अपने सुझाव दीजिए, क्या लग रहा है कमेटी में जो है वो जो समस्याएं हैं वो वाकई में क्या 2024 में यह बड़ा मुद्दा बन पाएगा या फिर नहीं? अच्छा ये बताइए, अमेठी बचाओ, स्मृति हटाओ, अमेठी बचाओ, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं, अमेठी SDM सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अधिकारी हटाओ, स्मृति ईरानी हटाओ, अमेठी बचाओ, स्मृति हटाओ, अमेठी बचाओ, ये नारे लग रहे हैं अमेठी की इसी सड़कों पे। आपको बता दें विपक्षी दलों की एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक के बाद अमेठी का ये रुझान पूरी तरीके से भाजपा खेमे में कोई मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में 2024 के चुनाव में अमेठी में राहुल वर्सेज स्मृति में राहुल की जीत होगी या फिर स्मृति की? आपको क्या लग रहा है, अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अमेठी से इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। का नाम लीजिए भैया पत्रकार।